वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं लगभग 6, तो सुबह सुबह आप देख सकते हो गर्मा गर्म चाय से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी ये वाले पहाड़ भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो इस साइड ही हमें जाना है। तो ये काली चौपास है, सुबह सुबह का आप व्यू भी चेक कर सकते हो, इस तरह का व्यू है। इस तरफ तो वही काफ़ी घने बादल आ चुके हैं और इधर लगा है डेरा अपना, और साथ में भेड़ बकरियाँ आसपास बैठी है। तो इधर से हमें ऊपर को चढ़ना है, फिर आगे की तरफ जाना है। तो अभी पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ से निकलने की तैयारी है, तो बाकी दो भाई अपने आगे निकल चुके हैं और पीछे से धन भी जा रहा है। यहाँ पे लगा था हमारा डेरा, तो अभी छिके लग चुके हैं, तो अब चढ़ाई करते हैं ऊपर की ओर स्टार्ट। देखो भाई कैसे जा रहा है धन। तो अभी धन को निकलने देते हैं आगे और खुद पीछे से जाते हैं आराम से। टाइगर टाइगर, हाय टाइगर, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? देखो भाई कितना खतरनाक डॉग है। और ये भी लाहौल के लिए जा रहा है। बाकी अभी काफ़ी चढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है, तो इससे आगे प्लेन ही है, ज़्यादा चढ़ाई है नहीं। तो अभी सफ़र कंटिन्यू आगे की ओर है। बाकी अभी दो दो बैग उठाए हैं, तो कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। बाकी चले टाइगर चले आगे की ओर चले। दोस्तों धन वाले इधर ही रुक चुके हैं, बाकी अभी हमने आगे की ओर ट्रैक शुरू कर दिया अपना। तो पीछे आप देख सकते हो इधर ही रुकेंगे आज के दिन ये धन वाले। बाकी एक भाई जा रहा है पानी लेने के लिए, क्योंकि इधर पानी नहीं है, तो वो आगे से पानी लेके आएंगे, तो उनके साथ हम भी आगे की ओर जा रहे हैं। बाकी मेरा साथी भी निकल चुका है। मौसम भी बिल्कुल ख़राब है आज के दिन, तो देखो आप भेड़े कैसे आ रही है। इधर ही आज के दिन रुकेंगे ये, तो सारी इधर ही आ रही है। तो अभी मैं भी चलता हूँ धीरे धीरे आगे की ओर, और देखते हैं आज के दिन हमें कहाँ पे रात पड़ती है। रास्ता आप देखो काफ़ी स्लिप हो गया है, तो आराम से जाना पड़ेगा। चारों ओर फॉग ही फॉग हो चुका है, और ट्रैकर अपने कंटिन्यू आगे की ओर चले हैं। और भाई इस धुंध में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जब कोई साथी बिछड़ जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट आगे की ओर निकलते हैं। अभी ना दोस्तों अभी हमें काफ़ी टाइम हो चुका है इधर पहुंचे हुए। इस जगह का नाम है दिगनपाल जी का गोड़। गोड़ मतलब दिगनपाल जी का बड़ा सा पत्थर आप देख सकते हो, और साथ में माता जी का मंदिर भी है। टूर भी मैं काफ़ी देर के बाद ले रहा हूँ, तो आप मौसम देख सकते हो। और ये जो पहाड़ है बड़ा सा, यही काली छो पास है, और मौसम तो आप देख ही सकते हो भाई कैसा बना है। अभी भयंकर ही मौसम बना है, तो थोड़े थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी धान देखो कितना सारा चल रहा है इधर, और नाश्ते आज हमारा इधर ही होगा। और जोत लगने में अभी कम से कम एक दो दिन है, तो कल जाएंगे जोत को रास्ता बनाने के लिए। बाकी आज तो मौसम सही नहीं था, तो आज नहीं गए, पूरे दिन भाई बारिश ही लगी रही। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ मैं, बाकी अपना साथी भी उधर है और भाई लोग भी बैठे हैं, गद्दी भाई लोग। तो चलते हैं थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और भेड़े देखो भाई कितनी सारी है, काफ़ी सारे धान है इधर। सभी लोग लाहौल के लिए निकलने के लिए तैयार है। अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे लगभग 8, और काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें इधर लैस में पहुंचे हुए। लैस मतलब जहाँ से हमने काली छो पास लगाना है। पीछे आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल ख़राब चल रहा है, इस कारण हम ये पास लगा नहीं सकते। बाकी अभी तक कोई धन वाला भी नहीं गया है, गद्दी भाई लोग कोई नहीं गया है, तो सभी इधर नीचे ही रुके हैं इसके नीचे। जोत लगने में अभी काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन है, तो इसलिए हमें वापसी करनी पड़ेगी यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल बैग वगैरह पैक कर लिया है, तो नीचे की ओर चलते हैं, थोड़े से नीचे चलते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस एक ही डेरा लगा है गद्दी भाई लोगों का। और आप समझ सकते हो फिल्म ठंड में भाई कितनी ज़्यादा ठंड है इधर, वो तो आपको बता नहीं सकता। और उतना ही अच्छा व्यू है, आप सामने झरना देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। बाकी इस साइड भी काफ़ी झरने बने हैं, और यही है रास्ता आगे के लिए काली चौपास। इस पहाड़ से परले पहाड़ पहुँच गए तो उधर लाहौल है। बाकी अभी चलते हैं नीचे की ओर। भाई लोगों के डेरे पे आया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे छेलू और छेली। कुकनी कुकनी कुकनी। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी, तो आप मौसम देख सकते हो किस तरह का बना है। देखो भाई कितना
शानदार व्यू। रात को हम इधर बाबा जी के पास रुके थे, तो ठीक है बाबा जी मिलेंगे बाद में फिर। और इधर छेलू आप देख सकते हो कैसे आग सेक रहे हैं। चल चले चल चले, देखो ऊपर भी काफ़ी बैठे हैं। तो अभी नीचे की ओर जाना है, तो काफ़ी लॉन्ग रास्ता है, तो धीरे धीरे चलते हैं नीचे की ओर। रास्ता आप देखोगे तो ये पूरा ही ग्लेशियर है और इसके नीचे नीचे पानी जा रहा है। तो अभी ग्लेशियर को पार कर लिया मैंने, तो अब आगे की ओर निकलता हूँ फटाफट। ट्रैक अपना कंटिन्यू स्टार्ट है, बाकी वही अभी खड़ी चढ़ाई पे अपने साथी और मिल चुके हैं। ये भी लाहौल के लिए जा रहे थे। भाई लोग कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, ये भाई चलते चलते 4 घंटे हो गए हैं, आगे का सफर भी कोई 4 घंटे का है। काली शो जा रहे थे वहाँ पर, कुछ परिस्थिति है सिरे की हम नहीं जा सके। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 15 या 20 दिन बाद फिर आ सकते हैं। सही बात है, सही बात है। मौसम अगला ट्रैक हम तभी दिखाएंगे आपको काली शो का। ये भाई भी अपने इधर से ही, चंबा डिस्ट्रिक्ट से, डरवाला से भाई साहब। हाँ, तो ये इन भाइयों ने लंगर लगाया था और काली शो पास भी जा रहे थे, लेकिन भाई मौसम के कारण वापसी करनी पड़ रही है। बाकी 2-3 भाई अपने आगे जा चुके हैं। और अभी मौसम देखोगे आप तो भाई व्यू देखो, सबसे पहले व्यू चेक करो। और आते टाइम हम सामने वाले रास्ते से आए थे, जाते टाइम हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। बाकी व्यू तो आप देख सकते हो भाई। तो अभी अंधेरा भी होने को आया है, बाकी आप मौसम देख सकते हो अभी का नज़ारा। और अभी हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे भद्रा विलेज में पहुंचने के लिए। वो चले हैं कंटिन्यू, चले हैं थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर चले, फिर चले। तो थोड़े लोग आगे चले हैं और थोड़े पीछे चले हैं भाई लोग अपने, तो कंटिन्यू आगे की तरफ जा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो सामने बनी माता भी दिखाई दे रही है, और वही मौसम तो अभी फोग ही फोग है ऊपर की तरफ। तो अभी फटाफट निकलते हैं आगे की तरफ, फिर देखते हैं कि आज के दिन कहाँ पे स्टे होती है। नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहा हूँ, और नाइट स्टे हमारा इधर भद्रा विलेज में था कल के दिन। भाई काफ़ी टाइम लग गया हमें इधर पहुँचते पहुँचते। सुबह सुबह का आपको व्यू बताता हूँ इधर से कैसा व्यू बना है। अभी तो सामने ये सेब का पेड़ है, नहीं तो पहाड़ों के ऊपर धुंध छा के रखी है। और ये रहा भद्रा विलेज, और अपने साथी भी पीछे से आ रहे हैं और थोड़े लोग आगे निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे मैं भी आगे की ओर चला हूँ। सामने वाले पहाड़ पे तो पूरे देवदार है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल घना जंगल। तो इधर से ही जाता है रास्ता काली शो पास के लिए। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं,
बनी साइड जाएंगे हम, उस साइड बाइक पार्क की है। देखो भाई पुल कितना हिल रहा है, और नीचे देखो भाई खतरनाक सीन, और इस साइड भी देख सकते हो व्यू तो भाई हर कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऊपर देख सकते हो आप भयंकर पहाड़। और दोस्तों ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो कितना डेंजरस पॉइंट है भाई, दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि ये जो भद्रक ब्लेज है इनका रास्ता यहीं से जाता है आगे के लिए, एक सामने से भी जाता है वो वट ग्राम को जाता है, और इस साइड बनी माता। बाकी अपना ट्रैक भी कंटिन्यू चल रहा है, तो बस थोड़ी देर के बाद हम रोड में पहुंचने वाले हैं। अभी काफ़ी दूर तक जाना है, उधर से हमें इस साइड जाना है। ट्रैकर अपने कंटिन्यू आगे की ओर चले हैं। तो अभी एंट्री कर रहे हैं हम बन्नी माता के दर्शन करने के लिए, तो ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। और ये रहा बन्नी गांव, आप देख सकते हो। और दोस्तों बैग वगैरह इधर ही नीचे घर में रख दिया है। बाकी अभी हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, तो आपको भी करवाते हैं दर्शन। तो बारिश आप देख सकते हो कितनी बढ़ चुकी है, चारों ओर फोग ही फोग दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर जाना है, बस इधर ही माता जी का मंदिर है। बाकी ट्रैकर अपने चले हैं कंटिन्यू, तो चढ़ते जाते हैं। अभी ना दोस्तों अभी बन्नी माता पहुँचे हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है, बाकी बारिश भी रुक चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो माता के दर्शन वगैरह करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ निकल जाते हैं। और इधर रहा माता जी का मंदिर, जय माता दी। और ये सारे अपने साथी है, तो चल पड़ना भाई साहब, चल पड़ना घर, चल पड़ते हैं भाई जी। और बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो निकले अब, बस चल पड़ते अब, रेडी बस आने वाली, अब बस आने वाली है बस, सही बात है। तो ये रहा माता जी का मंदिर, जय माता दी, जय बन्नी माता, जय हो। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। बाइक के पास हम पहुंच चुके हैं, तो भाई ये पानी काफ़ी मुश्किल से पार किया भाई ने अपने, क्योंकि पूरा भीग गया बाइक निकालते निकालते। और अभी गाड़ी भी आ रही है पारली साइड से, पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमने तो छोटा सा पुल पड़ा है उधर से किया है पार। बाकी गाड़ी को देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया,
फिलहाल मैं घर पहुंचने वाला हूं। बाकी बारिश में तो वही बाइक में बहुत ही बुरा हाल हुआ, पूरा भीग चुका हूं मैं। तो अभी चलते हैं घर की ओर। तो इधर से परली साइड घर है अपने, तो फटाफट घर चलता हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करता हूँ।